सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। भाजपा से अलग हुआ तो कोई पार्टी जो सबसे कद्दावर नजर आया वह झारखंड विकास मोर्चा। बाबूलाल मरांडी अपने दम पर झारखंड में सत्ता पर काबिज होने की दिशा में बढ़ चले और मेदनगर नगर निकाय चुनाव के दौरान अगर किसी को दार मदार दिया तो वह है गीता देवी। कैसा है झारखंड विकास मोर्चा का साथ? बहुत अच्छा है, सबको प्रणाम और बहुत अच्छा, जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है लोगों का। चेहरे काले पड़ने लगे? काले पढ़ने लगे, पढ़ने दीजिए, इससे जनता को सहयोग करना है, जनता को सेवा करने के लिए हम आए हैं और चेहरा किसी भी तरह काला पड़े इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो जीत जाइएगा तो फिर तो एसी में घूमिए? नहीं घूमेंगे एसी में, हम गरीब परिवार से उठे हैं, आगे हम गरीब को मदद करने के लिए ही आए हैं मैदान में, इसीलिए हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं हमको सहयोग करें। और जिस तरह हम सब जगह चल रहे हैं, जहाँ भी कहीं पानी नहीं है, सप्लाई नहीं है, नाली नहीं है, अगर हमको जनता चुनेंगे तो हम ये सब पहले काम करेंगे और जीत के हम घर में नहीं रहेंगे। कितनी महिलाएं साथ में जुड़ी हैं, महिलाओं के लिए कुछ करना है? महिलाओं के लिए भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, सोचे तो हैं बहुत कुछ करने के लिए। सपनों में बहुत कुछ है, करना तो है, करना तो पड़ेगा, करना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि मौका दे रही है, 5 साल के लिए जनता दे रही है। 16 अप्रैल आपका दिन है, क्या लगता है क्यों गीता जी आपको लगता है कि सबसे बेहतर हो सकती है? क्यों वो कहाँ गए, क्या इनमें क्या खासियत है? कहाँ दोस्तों बोलेगी? गीता जी आइए इधर आइए ना, अरे आप तो क्या लगता है और कोई बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? तुमने एक युवा, आप युवा हैं ऊपर से, क्या लगता है क्या खास करने के लिए क्या उम्मीद करते हैं एक प्रत्याशी से? जैसे से यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये पैदल चल चल के हर गली हर गांव में मतलब सबको बताते चलते हैं कि हाँ मतलब सपोर्ट करने के लिए, तो इनको तो बोलने का भी जरूरत नहीं, सपोर्ट तो इनको ऐसे भी मिलेगा ही, लेकिन जैसे कि क्यों मिलेगा, क्योंकि चंद्रवंशी समाज ऐसा नहीं है, ये समाज की बात नहीं है, जाति पाति धर्म ये सब ये मानती ही नहीं है और हम लोग भी नहीं मानते हैं, ये सब तो लोग बनाए हैं धर्म ये सब वो सब हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि जैसे ये बोले कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, सबकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो ये अगर जीतती है तो ज़रूर कुछ उनको सहयोग करेंगे। खासकर युवतियों के लिए क्या कर रही है? शिक्षा तो है ही लड़कियों के लिए बेस्ट, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसा गांव है मतलब शहर भी है जहां तक लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता है। क्या लगता है गीता जी आपको कि सुरक्षा और शिक्षा ये कितना जरूरी है युवतियों के लिए, बच्चियों के लिए? बहुत जरूरी है, ये सुरक्षा भी और शिक्षा भी बहुत जरूरी है। बच्चे लोग बहुत से गरीब परिवार के बच्चे लोग जो पढ़ी लिखी हैं उन लोग को कहीं भी नौकरी नहीं मिलता है, इतना आदमी हाँ कहीं कोई काम नहीं देता है, जहाँ भी होता है सब बड़े लोग को ही मिलता है, इसीलिए हम आगे आए हैं कि अगर हम कुछ पद पे बने, कुछ सहयोग करें हमको जनता, तो हम लड़की लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे। बात है मुद्दे की और मुद्दे तो हमारे पास होते हैं क्योंकि हम पत्रकार होते हैं, हम सबसे मिलते हैं, सबकी बातें जानते हैं, लेकिन किसी ने भी एक बातों को कभी भी पानी नली गली सड़क सफाई इन सब को छोड़ करके इतर उठने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ हम मुद्दे छोड़ेंगे तो शायद कुछ ना कुछ बात बने, हम तो अपना निभा रहे हैं, अपना आप भी निभाइएगा 16 अप्रैल को। नमस्कार।